अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बात करूंगा रोमानिया का पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आखिर में गोल जो है वो यही है कि रोमानिया का पासपोर्ट हासिल करना है। जो आप वर्क परमिट पे जा रहे हो, इंशाल्लाह आप सारे वर्क पासपोर्ट हासिल कर लोगे। 8 साल बाद इजीली मिल जाता है पासपोर्ट, अगर आपने कोई क्राइम वगैरह नहीं किया हुआ। ठीक है, वीज़ा फ्री है 97 मुल्कों में। उसके बाद अच्छी खासी रैंकिंग है इसकी, बेशक गरीब मुल्क है, इसको छोड़ दें आप, आगे चलते हैं। आपको बड़े बड़े मुल्कों को बताऊंगा, आपको स्क्रीन पे हर चीज़ आ रही है। ठीक है, हर चीज़ पे आ रही है। आजकल बैन है इस वजह से कि क्योंकि रोमानिया में काफ़ी कोरोना चल रहा है, इस वजह से जिस मुल्क ने पाबंदी लगाई हुई है वो बांग्लादेश है, ऑस्ट्रेलिया, आज़रबाईजान, अर्जेंटाइन है और अंगोला है। बेल्जियम वीज़ा फ्री, ब्राज़ील भी फ्री है, बुल्गारिया तो आपको पता ही है, कनाडा में ही है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा प्रोसीजर है वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये है कि यार आप जो कोशिश करो कि यूरोप तो बिल्कुल पूरा फ्री है, आप देख रहे हैं यूरोप पूरा 26 के 26 जो है ना मुल्क, फिनलैंड वगैरह फ्री हैं। बाकी मैं बड़े बड़े इंडिया में भी कोविड बैन है, इसराइल में भी कोविड बैन है, तो बाकी यूएसए का देख रहा हूँ, यूएसए में फ्री है, नेदरलैंड भी वीज़ा फ्री है, और क्या चाहिए यार आपको। पाकिस्तान में ई वीज़ा है, फिलिपाइन में भी बैन है। बैन मैं इस वजह से कह रहा हूँ, ये भी फ्री हैं लेकिन कोरोना की वजह से, क्योंकि रोमानिया में कोरोना बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यार वो उन्होंने बैन किया हुआ। साउथ अफ्रीका के लिए वीज़ा रिक्वायर्ड है, बाकी स्पेन वीज़ा फ्री है। अब किस यूनाइटेड किंगडम में यार 103 महीने का वीज़ा आपको फ्री एंट्री है, आप जाओ फिर के आओ वापस आओ। जिम्बाब्वे में वीज़ा अराइवल है, बाकी ये देख सकते हैं आप जो भी है। मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ, एक चीज़ मैंने आपको दिखानी थी, एक जो मुल्क जिसमें आप कनाडा, कनाडा में आप देख लो 120 दिन का वीज़ा मिलेगा आपको। यही चीज़ें मैंने आपको बतानी थी, आपको उम्मीद है पसंद आई होगी ये वीडियो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रोमानिया के पासपोर्ट पे कितने वीज़े फ्री हैं। तो ये मैं करता हूँ यूएसए, तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इसराइल तक की यार ये ना चीज़ें फ्री हैं। पाकिस्तान में सिर्फ ऑन अराइवल है, उसकी वजह यह है पाकिस्तान किसी मुल्क को अलाउ ही नहीं करता है आने के लिए। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी, आवाज़ क्लियर आ रही है, सब्सक्राइब कर दें।